रुपये लगता है, मृत्यु पहचान पत्र के लिए रसीद कटता है जी। बस आपको भी पैसा कुछ देना पड़ता नहीं, है नहीं हमारा कुछ नहीं देना पड़ता है सर। आपको कुछ नहीं, नहीं। ये कब से यहाँ पे इसको चालू किया गया? आपको हम मसान घाट गया लेकर के आए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक द्वारा यहाँ पे सब कुछ जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उसको आपको पूरा दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे मशीन को लगाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा मशीन यहाँ पे लगाया गया है। मृत पार्थिव शरीर को यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। तो चलिए आपको चल करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे मशीन को लगाया गया है। आप देखिएगा तो इसमें हर एक में एक मोटर लगाया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे टोटल मशीन की बात करें तो 10 है। आप ये जो देख रहे हैं इसी में यहाँ पे जो स्लाइडिंग ये है, यहाँ पे सबको रखा जाता है। वो जो स्लाइडिंग दिख रहा है वो टेबल पे और उसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे 60 से 50 मिनट में सब बिल्कुल ही भस्म हो जाता है। इसको नगर निगम द्वारा यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, जिससे प्रदूषण नहीं हो। इसको जो धुआँ निकलता है 100 फीट ऊपर लगाया गया है, ताकि धुआँ ऊपर ही चला जाए, प्रदूषित यहाँ पर नहीं हो। आप इलेक्ट्रिक मशीन देख रहे हैं, इसमें सबको जलाया जाता है। जो सबको जलाते हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से सबको यहाँ पे जलाया जाता है। इसमें कितना लकड़ी जलाने में लगता है? 4 मन लकड़ी लगता है। उसमें 8 किलो दोलदार लगता है, 1/2 किलो धुना लगता है, 1/2 भर कपूर लगता है भैया, यही लगता है बस। अच्छा, जो व्यक्ति यहाँ पे सबको जलाने आते हैं उनको पैसा कितना देना पड़ता है? यहाँ पैसा जो है कि 500 रुपये लगता है, मृत्यु पहचान पत्र के लिए रसीद कटता है जी। बस आपको भी पैसा कुछ देना पड़ता नहीं, है? नहीं हमारा कुछ नहीं देना पड़ता है सर। आपको कुछ नहीं, नहीं। ये कब से यहाँ पे इसको चालू किया गया है? ये बैसाख से तो शुरू है, जून से इसी साल से। हाँ, हम तो अभी 1 महीना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से इनको से सुने कि जो इलेक्ट्रिक वाला जो आप देख रहे हैं, जो दाह संस्कार करने वाला मशीन है, इसको अगर आप इसमें जलाना चाहते हैं तो इसको 500 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जिससे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र ही सब बनता है। तो आप चल के दिखाइए किस प्रकार से वहाँ पे स्लाइड किया जाता है। आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे सबको इसके अंदर मशीन के अंदर डाल करके जलाया जाता है। जलाना का तरीका है जी, सामने देखिए आग लगी हुई है। अच्छा, इसमें भी सब जल रहा है? जले हैं, आप देख सकते होंगे इसमें। हाँ, देख लीजिए सारा जला हुआ है। बाहर कहीं निकाल देते हैं? नहीं नहीं, बाहर मतलब बाहर रहता है, इसको बाहर डाल के इसमें अंदर किया जाता है जी। क्या है इसका टाइम हो चुका है? आप ये बताइए कि सबको कितना देर लगता है जलने में? 1.5 घंटा समय लगता है सर। 1.5 घंटा लगता है? हाँ। अच्छा, ये सब चालू यहाँ पे अभी है? अच्छा, इस सब में भी सबको डाला हुआ है? नहीं, एक अभी जल रहा है। अच्छा, कौन जल रहा है? ये वाला चालू है। अच्छा, लगभग कितना है स्टाफ ये जल रहा है? 2 घंटा आधे जे 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है जी। 1 घंटा 20 मिनट हो गया। हाँ, अब इसका सबको टाइम देते हुए आते हैं। हाँ हाँ, टाइम दिया जाता है, खोल के देखा जाएगा, खोल के उसको निकाल देते हैं। हाँ, खोल के देखा जाता है। वैसे लगभग कितना यहाँ पे सब डेली आप जला देते हैं? इसका जितना भी आ सकते हैं सर, हमको पास 1-2 आ रहे हैं जी, 1-2 अभी आ रहे हैं। हाँ, चलिए थैंक यू आपको इतना टाइम देने के लिए। अच्छा, जैसा आप देख सकते हैं कि एक मशीन यहाँ पे खराब हुआ है। हाँ। ये खराब हुआ तो इसको रिपेयरिंग आप ही लोग करवाते होंगे ना? अभी तो हो गया, किया है इसका तो इसको नगर निगम करवाता होगा। हाँ, दूसरा कराएंगे ना। अच्छा, सब में जल चुके।
उदय सिंह नाम है। उदय सिंह नाम है, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गए के रहने वाले हैं। जी, कब से आप यहाँ से, मतलब अभी तो अगले महीने से 9 तारीख से है। जी, इसको पहले आपका भी एक्सपीरियंस था आपको सब? नहीं, इसके बारे में तो नहीं था। आप यहीं से जलाना स्टार्ट किए हैं? हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो गया में जो दाह संस्कार होता है वो कब से होता है। गया सुर को जब यहाँ पे वध किया गया था तो भगवान विष्णु उसको से बोले थे कि तुम बोलो तुमको आखिरी इच्छा क्या है। तो जो आखिरी इच्छा मांगा था वो बोला था कि हमें एक पिंड और एक मुंड चाहिए। तब से ही यहाँ पे डेली यहाँ पे पिंड होता है और यहाँ पे जो सब का जो यहाँ पे दाह संस्कार होता है तभी से यहाँ पे प्रथा स्टार्ट हुआ और लगातार चलता रहता है। यहाँ पे डेली लगभग 50 से 60 यहाँ पे सबको जलाया जाता है। जिस दिन यहाँ पे सबको नहीं जलाया जाता उस दिन यहाँ पे पुतला बना करके सबको यहाँ पे फूका जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपको दिखाएं कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक में यहाँ पे सबको जलाया जाता है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सही मज़ेदार ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय विष्णु, जय महेश, जय ब्रह्मा।